यह है टॉम एंड जेरी शो, टॉम एंड जेरी के शो। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बड़े होंगे। तो भाई आज उतरे थे यहाँ पर प्रिजन में, यानी कि कैदी खाने में, जहाँ पर जेल में बंदी बना करके बंदों को रखा जाता है। और जैसे ही नीचे उतरता हूँ तो उसके बाद भाई सामने वाली पार्टी को भाई मिनी 14 मिल जाती है, तो वो मेरे बंदे के पीछे पड़ जाता है, लेकिन मेरे को भी SKS मिल जाती है। तो उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है। अब ये मेरे बंदे को तो छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद ना ये सबसे पास वाली झाड़ी को ढूंढने लग जाता है कि भाई कहाँ पर है झाड़ी, ताकि मैं सांप बन सकूँ। लेकिन भाई मैं उसको रास्ते में लपेटने की कोशिश करता हूँ। देखो पहले यहाँ पर, अब ये यहाँ पर फिर से छुप जाता है, तो मुझे लगता है कि भाई आगे जाकर TPP ले रहा होगा, लेकिन भाई बंदा तो सीधा जा करके झाड़ी में सांप बन जाता है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको नॉकआउट कर दिया। अब यहाँ पर इसकी पेटी बनाते हैं। अब इसके तो यहाँ पर पेटी बना दी, और उसके बाद भाई इसके बाकी के बंदे अंदर से बाहर की तरफ आ रहे होते, तो एक बंदे को मैं रास्ते में देख लेता हूँ। और उसके बाद भाई बीच में मैंने एक बॉट को मारा था, पहले बता देता हूँ। तो आगे देखो, अब इसको तो पकड़ लिया। अब इसका एक बंदा भाई टेलीपोर्ट होकर सीधा सामने आ जाता है। अब यहाँ पर भाई बंदा एकदम लिटरली सीधा हवा से पैदा हो गया, और यहाँ पर मैं क्विक एक्शन की वजह से बच गया भाई, वरना यहाँ पर भाई सीधा पेटी बनना तो मेरी तय थी भाई। वो तब तक गोली चलाता जब तक पेटी नहीं बन जाती। खैर यहाँ पर भाई अटैक एकदम आर के बार बार कर रहा था, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ क्योंकि भाई इसको कोई नॉकआउट कर देता। अब इसके यहाँ पर पेटी भी बन चुकी थी। आगे देखो, अब बेचारे इस 3 नंबर को मैं बचा तो नहीं पाया, लेकिन भाई खैर इसका यहाँ पर बदला तो ले लिया। अब यहाँ पर भाई इसके बाद यहाँ से हम आगे की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉट ही बॉट मिलता है। तो बॉट को खत्म करने के बाद जब हम गाड़ी को लेकर के जा ही रहे होते हैं, तो 4 नंबर को भाई 2 बंदे चपेट में ले लेते हैं, तो वो एनिमी ऐड करता रहता है बार बार। तो जब तक हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या होता है, तो गाइस हम यहाँ पर आते हैं और भाई मैं सबसे पहले इस बंदे को यहाँ पर नॉकआउट करता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर 4 नंबर को बचा नहीं पाता। तो भाई मैं उसका बदला लेने के लिए सोचता हूँ कि भाई तेरे को मुक्केबाजी करके मारूंगा, लेकिन इतने में इसका दूसरा बंदा भी आ जाता है। पेटी बनाता हूँ। अब यहाँ पर इसकी पेटी तो बना दी, लेकिन भाई 4 नंबर का बदला ना उसको मुक्केबाजी करके ले नहीं पाया। खैर यहाँ पर भाई 2 नंबर भी नॉकआउट हो गया था, तो यहाँ पर 2 नंबर को रिवाइव देते हैं, और उसके बाद भाई इनकी पेटी को लूटते हैं। और भाई पेटी को लूटने के बाद बग्गी में बैठ करके जब मैं यहाँ से निकलने के फिराक में था ही, कि मुझे भाई नीचे की साइड में एक और बंदा दिख जाता उतने में, तो फिर क्या होता है वो देखो। हाँ तो भाई बंदा ठीक उस जगह पर है जहाँ पर अभी तुम देख पा रहे हो। और उसके बाद यहाँ पर मैं लेट करके भाई उसको स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई बंदा एकदम पोजीशन बदल लेता है, पता ही नहीं लगता कहाँ है, और वो भाई 2 नंबर को फायरिंग भी देने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर मैं पत्थर पे आता हूँ और वो मुझे लोकेट हो जाता है। आखिरकार पकड़ा जाता है, तो फिनिश करता हूँ। तो गाइज यहाँ पर इसकी तो पेटी बना दी। अब यहाँ पर भाई तुम्हें इतना मज़ेदार सीन दिखाऊंगा ना कि मतलब तुम्हें मज़ा आ जाएगा। तुमने कभी पकड़म पकड़ाई का खेल तो खेला ही होगा यार, कोई भी खेलेगा ही, लेकिन यहाँ पर भाई पकड़म पकड़ाई इतनी देर तक चलती है ना भाई, अभी आगे की तरफ एक बंदा मिलेगा भाई इतना भगवाएगा, मतलब क्या ही बताऊँ। अब मेरे डिवाइस को भी पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन जैसे तैसे इसको गाड़ी के नीचे ले लेता हूँ भाई। यहाँ पर मेरे 2 नंबर की लंका लगती है। बंदे ने तब तक गोली चलाई जब तक मेरे 2 नंबर की पेटी नहीं बन गई। खैर यहाँ पर भाई मैं सीन को काटूंगा नहीं, तुम देखो ये बंदा मतलब कितना नचवाता है भाई, मतलब एकदम पकड़म पकड़ा है, देखते रहो। चलो टाइम पास के लिए थोड़ा सा साउंड इफेक्ट देते हैं। ये है टॉम एंड जेरी शो, टॉम एंड जेरी के शो। खैर यहाँ पर मैं नेट फेंकने की कोशिश करता हूँ, ये वाला सीन देखो पहले। तो खैर यहां पर मैंने नेट फेंका, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसने मुझे देख लिया और यहां पर फिर से पकड़म पकड़ाई चालू। खैर मैं आगे गाना गाऊं क्या? छोटी पूंछ मोटी पूंछ दोनों ही सताए, चूहे बिल्ली का ये खेल बड़ा मजा आए। खैर यहां पर अब सीन देखो, अब यहां पर थोड़ा लास्ट मोमेंट है। तो लास्ट मोमेंट इसका था, मेरा थोड़ी ना। तो यहाँ पर भाई इसकी यहाँ पर पेटी बना दी। अब थोड़ी देर पहले आ जाता तो यहाँ पर भाई इतना नुकसान तो नहीं होता, या तो मेरी पेटी बनती है तो इसकी पेटी बनती भाई, मतलब इतना पकड़म पकड़ाई तो नहीं खेलना पड़ता। खैर यहाँ पर अपने बेसुरे गाने को गाने के लिए यहाँ पर मैं माफी मांगते हुए आगे की बात करते हैं। भाई यहाँ से मैं बग्घी को लेकर के जा ही रहा होता हूँ कि भैया बीच रास्ते में फायरिंग पड़ती है। फायरिंग
तो जब गोलियां पड़ रही होती है तो भाई मैं डिसीजन लेता हूँ कि भाई मैं पुल के दूसरी तरफ रुकूंगा, ताकि भाई इनको इस तरफ तो आना ही पड़ेगा ना, तब मैं इनको यहाँ पर देखूंगा। तो मैं उस तरफ जाता हूँ और वहाँ पर भाई टीपी पे लेकर के बैठने लग जाता हूँ, और इनको पता होता कि भाई मैं वहाँ पर मतलब हूँ, मतलब तुम देखो यहाँ पर। दोनों बकी को लेकर के मेरे पीछा करके यहाँ पर आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पर भाई गदागद फायरिंग दे जा रहे हैं। अब भाई एक कवर देगा और दूसरा आगे बढ़ेगा, ठीक से आगे देख नहीं सकता था क्योंकि एक कवर दे रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी। इतने में एक गाड़ी भी आ जाती है। अब जैसे इस गाड़ी वाली की एंट्री हो तो मुझे लगा कि भाई कहीं बीच में ये भसड़ा ना कर दे, तो इसलिए सबसे पहले मैंने फास्ट डिसीजन लेते हुए इनको यहाँ पर फिनिश किया जैसे तैसे करके, और उसके बाद भाई मैं देखता हूँ कि वो गाड़ी वाला कहाँ है, पर भाई गाड़ी वाला तो दिखता ही नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर मैं इनकी पेटी वेटी को लूटता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी बग्घी की तरफ जा ही रहा होता हूँ कि भाई आगे वाला जो घर होता ना वो गाड़ी वाला वहीं पर होता है। जैसे तैसे करके भाई इसको अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, तो सीधा बग्घी को पकड़ के वहां पर भाई ठोक देता है। और उसके बाद ना मैं नेड करने की सोचता हूँ कि भाई साहब तो ऊपर से सीधा मेरे पास ही आ जाते हैं। तो बंदे ने यहाँ पर कोशिश अच्छी की, लेकिन यहाँ पर भाई मैं जीत गया, यहाँ पर मैंने इसकी पेटी बना दी। और उसके बाद यहाँ पर भाई मैं थोड़ी देर तक इंतजार करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भाई एक सरकारी फ्लेयर ड्रॉप गिरने वाला था। तो उसके बाद जब वो गिरता है तो मैं बग्घी में बैठ करके सीधा वहाँ जाता हूँ, और भाई जैसी बग्घी से उतरता हूँ ना तो भाई मेरी चटनी बनते बनते बच जाती है, और जैसी मैं वहाँ से निकल रहा होता हूँ फिर क्या होता है देखो। तो ये बचा मैं और सीधा बग्घी में बैठ के ऐसे भाग लेता हूँ। अब वहां पर रुकता ना तो मेरी पेटी बनना तय थी, क्योंकि भाई वो एकदम ओपन ग्राउंड था, वहां पर रुकना भाई मतलब अपनी पेटी बनवाना था। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और सीधा छत पर चढ़ जाता हूँ, और देखने लग जाता हूँ कि भाई आखिरकार ये कितने बंदे हैं। तो ये टोटल चार बंदे होते हैं, जो कि भाई दो बग्घी में ना दो दो करके जा रहे होते हैं। तो भाई जब ये जा रहे होते हैं तो मैं रस्ते में लपेटने की कोशिश करता हूँ उनको। अच्छा खासा डैमेज दिया लेकिन गिरा नहीं। इतने में दूसरी बग्घी दिखती है, अब भाई पहले वाले को तो थोड़ा बहुत लगा भी, दूसरे वाले को तो भाई मतलब कुछ भी नहीं लगा, और यहाँ पर मैंने नुकसान अपना अलग से करवा लिया। उसके बाद खैर यहाँ पर थोड़ा सा फर्स्ट एड वर्स्ट एड लगाते हैं, और यहाँ पर मैं छपड़े पर चढ़ जाता हूँ। अब इनकी प्लानिंग देखो यार, एक बंदा ना बग्घी को लेकर के सीधा पहाड़ के ऊपर चले जाता है ताकि ऊपर से फील्डिंग बिछा सके, और भाई एक बंदा जो है यहाँ पर आता है मेरे पास। अब एक बंदा पहाड़ पे है, एक बंदा मेरे पास आ चुका है, भाई दो बंदे सामने से फायरिंग दे रहे हैं। अब मैं क्या यहाँ करूँगा, मैं फंस गया मैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर मैं सीढ़ी पर आकर के बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है भाई नीड वेड करेगा, और ऐसा होता भी है। उधर भी था भाई पीछे साइड, आग की बोतल फेंकता, और उसके बाद यहाँ पर नेड खींचने की आवाज आ चुकी थी मुझे। अब तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मैं बच पाऊंगा? अगर यहाँ से मैं बच गया ना तो तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अगर पेटी बन गई तो फिर मतलब क्या ही कर सकते हैं। खैर यहाँ पर ये एक और नेड करता है, देख रहे हो यहाँ पर सीढ़ी पर बैठा हूँ, तो भाई नेड के इंपैक्ट से क्या हो गया, अगर यहाँ पर मैं छत पे होता तो सीधा पेटी बन जाती। खैर यहाँ पर ऊपर आता हूँ, फर्स्ट एड लगाता हूँ, और इतने में इसके दो बंदे बग्घी को लेकर इधर आ जाते हैं, मतलब यहाँ पर टोटल तीन बंदे हो चुके हैं। अब देख रहे हो यहाँ पर छत पे आने के बाद भी इनका नेड और मौली का कार्यक्रम चालू है, लेकिन जैसे तैसे करके यहाँ पर एक बंदे को नॉकआउट कर दिया, लेकिन इनका पहाड़ी वाला जो बंदा होता है वो मेरे भाई मोहसिन बजा देता है। तो यहाँ पर फटाक से बूस्टअप लगाते हैं, उसके बाद नीचे कूद जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर एक बंदा अभी भी नॉकआउट था, तो यही मौका मेरे पास था, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब
अब यहाँ पर जैसे कि तुमने देखा था कि भाई जब मैं छत से कूद रहा था तो मैंने एक बंदे को भाई नोटिस कर लिया था, तो मैं समझ गया था कि भाई वो किस साइड से आएगा। तो यहाँ पर भाई उस आखिरी वाले की भी पेटी बना दी। खैर यहाँ पर अभी अभी आखिरी नहीं है क्योंकि एक बंदा अभी भी इनका पहाड़ पर चढ़ के बैठा हुआ है। तो भाई कम से कम इनकी यहाँ पर जब तक पेटी बना दी, तो इसके लिए यहाँ पर तुम सब्सक्राइब का बटन दबा दो और भाई लाइक का बटन दबा दो और भाई बेल आइकन को ऑल पर दबा देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लग रही है। अब इतने में भाई यहाँ पर ना मैं देख रहा था इसके पहाड़ वाले बंदे को और भाई पता नहीं कब वो नीचे की साइड में आ जाता और भाई सही मौके पर नजर पड़ गई। भाई नेट खींच रहा होता मेरे पर, देखो अब इसने नेट को इतना ज्यादा पका दिया कि इसका नेट एकदम हवा में फट गया। लेकिन इसके बाद मैंने कहा कि भाई तेरी बारी खत्म, अब मेरी बारी है, अब देखो मेरा कमाल। हाँ हाँ ठीक है होता होता है। तो इसके बाद मतलब फिर मैंने सोचा यार एक और नेट कोशिश करता है, लेकिन यार वो वहीं पर था, उसको लग जाना चाहिए था, मुझे नहीं पता उसको क्यों नहीं लगा। खैर यहाँ पर ये यह देखो आप लगा ना। तो कुल मिलाकर के अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्क्वाड ऐप कर दी। तो अगर किसी ने यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया था तो यहाँ पर आप दबा दो और भाई नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे दबा देना। और इसी के साथ साथ अब यहाँ पर जब इनकी पेटी बन जाती है ना, तो यहाँ पर मैं बढ़िया वाला इमोट करके इनको चढ़ाने की कोशिश करता हूँ और भाई इनको चढ़ाता भी हूँ, क्यों ना चढ़ाऊँ। और इनको चढ़ाने के बाद मैं सीधा बग्गी को पकड़ता हूँ और इसके बाद जो सीन होने वाला है ना बड़ा एकदम मज़ेदार है। यहाँ पर मेरे को एकदम मेहनत करनी नहीं पड़ी भाई, मैं सीधा बग्गी को लेकर के घूम रहा था और मेरे को लगातार दो सांप दिखे, तो भाई एक के बाद एक पे मैं चढ़ाता गया। और भाई मतलब क्या ही बताऊं यार, तुम देखो आगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक सीन हो जाता है। अब जैसा कि तुमने देखा होगा कि भाई मैंने उस सांप के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ी, लेकिन भाई उसको कुछ भी नहीं होता। खैर यहाँ पर मैं दूसरा ट्राई में उसको पेल ही देता हूँ, लेकिन यार पहली बार ही मतलब तुम रिप्ले करके भी देख सकते हो कि भाई बग्गी उसके ऊपर चढ़ी थी लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। खैर इसके बाद यहाँ पर ढूंढते ढूंढते ना भाई पता नहीं दूसरा वाला बंदा कहाँ छुपा होता है, लेकिन मिल ही जाता। फिर देखो चलो यहाँ पर अब तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ भाई। यहाँ पर मैंने कहा था ना कि मेरे को लगातार दो बंदे मिल गए थे जिनके ऊपर मैंने बग्गी चढ़ा दी, लेकिन ये बिल्कुल झूठ बात है भाई। ये जो दूसरा वाला बंदा होता है ना, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने इसको ढूंढने के लिए कितनी मेहनत की। मैं बग्गी घुमाता रहता हूँ लेकिन भाई बंदा मिलता नहीं है बड़ी देर तक। मैंने कहा कि भाई बंदा है भी कि नहीं जोन में, लेकिन अंत में जाकर के ये बंदा कहाँ पर मिलता है तुमने यहाँ पर देख ही लिया। और यहाँ पर भाई कुल मिलाकर के हमारा हो जाता है विनर मुर्गी डिनर। तो गाइस होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आएगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर तुम लाइक का बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर दबा देना और भाई कमेंट में मेरे को बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो यार कुल मिलाकर के आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा सायोनारा बाय बाय। लेट्स टेक इट स्लो वेयर यू गो आई गो टू एंड इफ यू हिट द बॉटम आई एम गोइंग डाउन विद यू। लेट्स टेक इट स्लो हु केयर्स वेयर